हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा दें। हेलो हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं न्यूट्रिक एंड ऑल टाइप वीडियो चैनल। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि तो आप फोटो एडिटिंग करते हैं तो दोस्तों ये एक ऐसा ऐप है कि आपका जो फोटो इसमें डालते ही खुद फिल्टर हो जाएगा, खुद बालों का कलर जो है चेंज हो जाएगा, चेहरा बहुत गोरा हो जाएगा और बैकग्राउंड भी खुद बदल देगा और खुद ही फोटो जो है फिल्टर हो जाएगा। दोस्तों आपको ऐसा लगा कि हमारे सामने कुछ जादू हो रहा है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ऐप्स है। बस दोस्तों आपको ऐप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत है और उसमें फ़ोटो डालने की ज़रूरत है और 2 सेकंड के बाद आपका फ़ोटो बैकग्राउंड के साथ चेंज होकर आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों तो आप देखेंगे इस प्रकार से, आप देखते हैं कि तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपके आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल रियल ऐप है। दोस्तों आपको फोटो बस डालने की इसमें ज़रूरत है और आपका फोटो जो है बिल्कुल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप ये मेरा बैकग्राउंड, ये जो डिस्प्ले पे फोटो आ रहा है प्रोफाइल, तो यहाँ भी ये उसी ऐप का कमाल है दोस्तों कि बैकग्राउंड चेंज हो चुका है बिल्कुल फुल तरीके से, कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपका फोटो एडिट हो जाएगा दोस्तों, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के टाइटल पर क्लिक करिएगा जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में दोस्तों जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है TELPORT, टेलपोर्ट लिखना है। दोस्तों आपको यहाँ पर टेलपोर्ट लिखने के बाद इस यहाँ पर ऐसे सर्च कर देना है, इस प्रकार का आइकॉन जो है आपके सामने ये आँख बनी हुई आ जाएगी, इस प्रकार का आइकॉन आपके सामने आ जाएगा और आपको यहाँ पर इधर क्लिक कर यहाँ पर क्लिक करने से दोस्तों इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया है दोस्तों, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने पर दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने कुछ ओपन हो जाएगा और ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको अलाउ कर देनी है, सभी पर अलाउ कर देना है दोस्तों आपको इस प्रकार से। तो आपके सामने कुछ ऐड वगैरह आ सकते हैं तो उनको कट कर दीजिएगा और इस ऐप को परमिशन दे दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, कैमरा और फ्लैश और यहाँ पर सेटिंग वगैरह, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप गैलरी भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गैलरी का, यहाँ पर आप देख रहे हैं गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ पर आपकी गैलरी खुल कर आ जाती है, तो आपको यहाँ से एक फ़ोटो चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं अभी आपको एक फ़ोटो चूज़ करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने ये इस बच्चे का फोटो मैं ले लेता हूँ, लड़की का फोटो है, यहाँ पर मैं इस लड़की का फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से फोटो सेलेक्ट करने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ऊपर एक चिन्ह दिखाई देगा, क्लिक कर देना है इस पर, सही का निशान है यहाँ पर, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका फोटो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपके सामने ये चक्री घूमने लग जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने ये फोटो आपको ऑटोमेटिक बैकग्राउंड चेंज कर रहा है, फिल्टर कर रहा है दोस्तों। तो इसका हमें वेट करना है, एक मिनट लगे या फिर दोस्तों 15-20 सेकंड लगे, तो इसका हमें वेट कर लेना है। तो वेट करने तक हम देखते हैं दोस्तों क्या प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हेयर कलर लिखा हुआ आ रहा है, तो ये लाइन इस पर क्लिक है, तो आप अपने हिसाब से अपना जो है हेयर कलर चूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो बैक हेयर का कलर है यहाँ पर चेंज हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप कोई भी तरीके से जो है अपने हेयर कलर कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत अच्छा ऐप से मैं यहाँ पर ये कलर रहने देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा बैकग्राउंड, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड क्लिक करने पर यहाँ पर देखें आप बहुत कितना बढ़िया बैकग्राउंड चेंज हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। कोई भी आप बैकग्राउंड ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे ये बैकग्राउंड आ रहे हैं, यहाँ पर हम नेचुरल बैकग्राउंड ले सकते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे बैकग्राउंड आ रहे हैं, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो नए लोग होते हैं फोटो एडिटिंग करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बैक जो है फोटो बहुत अच्छे से एडिट हो, बहुत बढ़िया दिखना चाहते हैं, तो इस ऐप का यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपका जो है फोटो एडिट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए नए नए बैकग्राउंड आप ले सकते हैं, ये देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी का फोटो आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आप बहुत सारे बैकग्राउंड ले सकते हैं इस प्रकार से देखिए। और यहाँ पर इसमें आपको यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बीच का फोटो आ गया, यहाँ पर बहुत सारे फोटो आपके सामने आ जाते हैं। तो आप कोई सा भी एक बैकग्राउंड रख लीजिएगा दोस्तों जो आप चूज़ करना चाहते हैं, और अन्य बैकग्राउंड भी इसमें गैलरी में से भी हम ले सकते हैं दोस्तों, हमको ऑप्शन मिल जाता है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस प्रकार से ये कोई एक बैकग्राउंड रहने देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं ये बैकग्राउंड रहने दे रहा हूँ इसका, या फिर ये दोस्तों हम ये बैकग्राउंड रहने देते हैं जैसे कि दोस्तों। तो यहाँ पर हेयर कलर मिल जाता है, यहाँ पर स्क्रीन, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन कलर का, तो यहाँ पर एक
यहाँ पर एक स्क्रीन कलर का ऑप्शन आपको मिल जाता है दोस्तों, तो आप स्क्रीन कलर भी अपना चेहरा भी जो है दोस्तों सही कर सकते हैं, ये बाद में बैकग्राउंड ले लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपके चेहरे का कलर होने वाला है, तो आप अपनी बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना काला सा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जैसे कि आप जैसा चूज़ करना चाहेंगे वैसा आपको बैकग्राउंड मिल जाता है। तो दोस्तों मैं यहीं पर ये वाला रहने देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कस्टम बैकग्राउंड अगर आप लगाना चाहते हैं, अपनी मर्जी का कोई बेहतरीन बैकग्राउंड लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको दोस्तों क्या है, अगर आपको अपना बैकग्राउंड ब्लर करना है तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप कोई भी एक बैकग्राउंड ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ कोई एक बैकग्राउंड लेकर, तो यहाँ पर आपको देखना है कि हम क्या बैकग्राउंड लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों इतने सारे बैकग्राउंड हैं, तो हम इनमें से एक बैकग्राउंड कोई ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं जैसे कि ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ, और मैंने ये बैकग्राउंड लेने के बाद यहाँ पर ऊपर क्लिक कर देना है, और इस पर हमने क्लिक करके यहाँ से बैकग्राउंड ले लिया है। तो देखिए आप दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। तो बैकग्राउंड आने के बाद दोस्तों आप फोटो को अपना छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि लगे कि नेचुरल है दोस्तों, तो यहाँ पर आप अपने फोटो को इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से हमारा फोटो लग चुका है। और यहाँ पर अगर बैकग्राउंड ब्लर करना चाहें तो हम दोस्तों ब्लर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ब्लर हो रहा है, यहाँ पर आप ब्लर कर सकते हैं। और यहाँ से फिर से देखिए आप दोस्तों फोटो ले लेते हैं, बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने जो है कस्टम ब्लर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से आप अपना बैकग्राउंड जो है चूज़ कर सकते हैं और अपने फोटो को सेव कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा ऐप्स है, और ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, ये तो है दोस्तों इतनी बात, और मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। अगर आप दोस्तों कॉलेज फोटो सेलेक्ट करना चाहते हैं 3x3, तो इस प्रकार से यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, देखिए इतने कलर भी आपको मिल जाते हैं। और अपना फोटो आप कॉलेज 2x2 में लेना चाहते हैं तो 2x2 ले सकते हैं दोस्तों। बैकग्राउंड ब्लर यहाँ पर देखिए दोस्तों बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, आपको यहाँ पर इतना बैकग्राउंड रख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने बैकग्राउंड लिया ही था, आपको मैं इस प्रकार से दिखा देता हूँ कि हमारा जो फोटो है दोस्तों वो नेचुरल लगना चाहिए जैसे कि आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप अपने फोटो को सिलेक्ट करके, अब आपको ये सेव कैसे करना है दोस्तों, तो आपके सामने जो ऊपर का तीर का निशान आ रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने का देखिए दोस्तों सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा था इस ऐप में, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आ सकते हैं, देखो ये ऐड आ चुका था दोस्तों, तो इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक नीचे की ओर तीर का निशान दिखाई देगा डाउनलोड का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपके ये दोस्तों कुछ ऐड वगैरह आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा सेव। तो यहाँ पर आपका जो फोटो है वो सेव हो चुका है दोस्तों, इस पर क्लिक करते ही देखिए आप यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव, तो यहाँ पर आपका फोटो गैलरी में सेव हो चुका है। अब दोस्तों आपको अपने फोटो किसी भी बैग कहीं भी आप लगा सकते हैं दोस्तों, प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हैं, तो बहुत अच्छा ऐप्स है दोस्तों, डाउनलोड जरूर करिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत दोस्तों।